देखिए अब बेटा एक सवाल तेरे से पूछा गया है और क्वेश्चन देख लीजिए। और चलिए और सवाल देखिए। कह रहा बेटा एक स्फीयर है, क्वेश्चन सुनिए, सवाल सुनिए। ए स्फीयर ऑफ मास 20 केजी सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर एंड स्ट्रेट लेंथ 4 मीटर। देखिए एक मेटल वायर है बेटा और ये मेटल वायर 4 मीटर लेंथ का है और इससे एक स्फीयर जो है वो अटैच किया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ए स्फीयर ऑफ मास 20 केजी सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर, 20 केजी इसे वायर से सस्पेंड किया गया है। अच्छा इसमें जो कह रहा है कि जो वायर है उसका लेंथ 4 मीटर और डायमीटर 1 mm है, इसका डायमीटर डी से लिख रहे हैं बच्चे 1 मिलीमीटर। सब लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज, काम का है सवाल, काम का है आपके, ध्यान दे दीजिए। अब कहता है व्हेन इन इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम में बेटा प्लीज प्लीज, अभी किस में है इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन समझिएगा। There is a clear gap of 2 mm between the sphere and the floor. देखिए, sphere और floor के बीच में 2 mm का gap है, 2 mm का gap है, ठीक? कहता है कि the sphere is gently pushed aside, यानी sphere को हमने एक तरफ push किया, ऐसे करके मान लो यहाँ push किया और छोड़ दिया, ठीक है? So that the wire makes an angle theta. मान लीजिए इधर की तरफ आपने ऐसे करके और यहाँ पर ये स्फीयर को ऐसे यहाँ से छोड़ा थीटा एंगल पे, ठीक है बेटा? तो कहता है कि एंगल थीटा विद द वेंट इज रिलीज, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू थीटा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सो दैट द स्फीयर डज नॉट रब द फ्लोर। यानी देखिए बेटा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। आराम से सुनना बेटा प्लीज, ए सुनो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द स्फीयर डज नॉट रब द फ्लोर, यानी फ्लोर से ना घिसे, ठीक है? डज नॉट रब द फ्लोर। और बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस सवाल को देखिए प्लीज, अरे सीखो भाई, देखिए इस सवाल को देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए जब हम यहां से छोड़ेंगे तो ये वायर पे टेंशन डेवलप होगी क्योंकि वायर डिफॉर्म होगा, ऐसा समझो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से ले लगता है, सर्कुलर मोशन जब होता है तो सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी फोर्स फोर्स क्या से और खींच जाएगा और कहीं ये यहां पहुंच जाएगा। बोलो क्लियर? तो एक बात, एक काम करते हैं बेटा, ये 2 mm का जो एक्सटेंशन होगा वायर को किसकी वजह से होगा, पहले ये सोचते हैं कि वायर जो है यहां से छोड़ेंगे एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, वो किसकी वजह से होगा पहले ये सोच लेते हैं। तो आप लोग जरा प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, बताइए कि किसकी वजह से एक्सपेंड होगा, तो बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो एक्सपेंड हो जाएगा। बोलो क्लियर? अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे mv² / r, तो v चाहिए ना, तो हम लोग एक काम करते हैं यहां पर पहले v निकाल लेते हैं, पहले v निकाल लेते हैं और v के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां एनर्जी को कंजर्व करेंगे। तो पहली बात तो हम इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है? ये 2 mm 4 मीटर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है तो इस पूरे को L मान के चल रहा बेटा, ठीक है ना? अब देखिए मैकेनिकल जी क्या होता है, यहां पर की मैकेनिकल और यहां पर की मैकेनिकल, मैकेनिकल होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहां से छोड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। h कितना लेंगे बेटा, हाइट कितना लेंगे, गेस करो, ये L होता था, ये L cos थीटा और ये पूरा L है, तो L में से L cos थीटा सबट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है? तो यहां पर बेटा L minus L cos थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². बोलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर बेटा
बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 2 नीचे इसको उठा के इधर ले आते हैं, चलेगा? क्योंकि मुझे 4 जो चाहिए वो mv square by r चाहिए, mv square by r, r की जगह l, तो mv square की वैल्यू देखो मेरे से यहाँ मिल रहा है 2mg, l कॉमन ले लो 1 minus cos theta और अपॉन में l, बोलो सही लिखा, फोर्स निकल गया। हम बोलेंगे सर इसी फोर्स से एक्सपेंड हो जाएगा, बोलो क्लियर। और क्या हम लोग जानते हैं, जो जितना फोर्स रहेगा टेंशन हम उतना बोलेंगे टी, बोलो क्लियर। और अब हम यहाँ पर सिंपली सुनेगा बहुत आराम से प्लीज, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या टी बराबर के एक्स होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, तो बस के एक्स, के की जगह कितना लिखेंगे बाई ए अपॉन एल, ठीक है, इन टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2mg ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यंग्स मॉडुलस से 2 × 10⁻¹, एरिया क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना वायर का, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई, अब डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ का स्क्वायर -6, ठीक है। अच्छा एक्सपेंशन कितने का होगा गेस करो, 2 mm होगा कि नहीं होगा, तो 2 × 10⁻³, क्योंकि रगड़ नहीं रहा है तो बिल्कुल वहीं पे एक्सपेंशन वहीं तक मानेंगे। ए ली तो एंगल है जो कि कितना है 4 बराबर 2, मास कितना है देखिए जल्दी, मास कितना है इसका 20 kg, तो 20 × g 200 कर लूं, 1 माइनस कॉस थीटा, मुझे कॉस थीटा देखना ही नजर आ रहा है ना, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा कॉस थीटा में यहाँ से निकाल लेंगे, बताइए जल्दी सॉल्व करके दिखाऊं क्या, अरे सॉल्व करके दिखाऊं क्या, बोल रही बेटा बहुत ही बंद हो गए क्या हो गया, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक तो है, पहुंचो ना जिसको लिखना लिखो ना, सॉल्व करके आंसर बता दो ताकि अमित जी को मैं आंसर बता सकूं। अमित जी आंसर बताएं क्या, 36.5 डिग्री, कमाल करते हो, 37 डिग्री के आसपास का आंसर आएगा, cos 37 डिग्री कितना होता है 4/5.8, cos थीटा 0.8 आना चाहिए, 0.8 के आसपास। अच्छा आप लोग इतने लंबे लंबे हैं और यहाँ बैठ जाएगा तो बच्चियाँ छोटी छोटी हैं जो कि सब पीछे चलो चलो देखो ये क्या, तो तुम लोग पीछे जरा इनको आगे आने दो ना, हट जाओ पहले, ये छोटी छोटी लड़कियां इनको तो आगे आने दो बेटा, आप लोग आगे आ जाओ, भैया लोग पीछे चले जाएंगे, वो बेचारी छोटी सी उछल उछल के देख रही है, मनोज कुमार सिंह ने तो अपना रास्ता पकड़ लिया, अब केवी तुम या तो साइड में इधर आ जाओ या उधर आ जाओ, क्योंकि तीनों दीदी को दिक्कत हो, तुझे निकल तू निकल तू निकल फटाफट, हाँ पीछे वहां बैठ जा, वहां बैठ जा, नहीं तो हाँ चाहो तो आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बैठो आराम से, चलिए मिटा दे बेटा, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो जैसे आता है दिमाग में मुंडी पर करिएगा, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर mg तो नीचे लगेगा, ऐसा मिल रहा है ना सर mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स g बराबर mg प्लस mv स्क्वायर बाय r होना चाहिए ना, ऐसा आ रहा है क्या, एक मिनट, अच्छा ऐसा सोचा ही नहीं, अच्छा दिमाग में आ रहा है, हम लॉजिक ही नहीं जानते हैं। सर्कुलर मोशन में सिंपल सी बात है, जब ऐसे सर्कुलर मोशन होता था तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कैसे निकाल देते, एम जी
अटेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बात कर रहे हैं एमवी स्क्वायर में, तो टी इक्वल टू एमजी प्लस एमवी स्क्वायर बाय आर ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। बेसिकली क्या है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, कोई पूछ सकता था, आपने नहीं पूछा, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन आपका हो सकता था। अच्छे बच्चों का ग्रुप अगर होता है इस क्लास के अंदर तो जरूर पॉइंट आउट करता, मतलब सर अरुण तेरे दिमाग में शायद कर रहा था ये बात नहीं, अच्छा सोचा ही नहीं, आप बोलो ना यार कुछ कुछ आ रहा था यार, कुछ ऐसा कुछ क्यों क्यों नहीं हुआ कि टेंशन तो एनजी कहाँ गया सर, हाँ ये सोच लेते ना। अच्छा जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्लिक करता, हाँ तो एक बार सुनो, पहले मेरी बात सुनो, या तो लिख लो बेटा मैं ऊपर बिठा दूं, एक मिनट, हाँ सुनिए, देखिए बेसिकली होता क्या है, मेरी बात सुनिए बेटा प्लीज, यहाँ पर क्या होता बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्फीयर से मतलब ये वायर से स्फीयर टंगा हुआ है तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एमजी नीचे और स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग की तरह एज अ टेंशन इसमें पहले से डेवलप हो गया, और कहने को ये है कि ये इक्विलिब्रियम में तो टेंशन इज इक्वल टू एमजी, क्या इस समय वायर में कोई एक्सपेंशन होगा, तो यस होगा, वेट की वजह से देयर इज सम एक्सपेंशन, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब आप इसको एक तरफ पुल करते हैं ऐसे पुल करके और छोड़ते हैं, तो जब आप पुल करके छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, अब यहाँ के बजाय यहाँ से गुजरता है, तो एक्चुअली क्या होता है इतना एक्सपेंड हो जाता है, तो आप ये सोचिए जरा बुद्धि लगाइए, ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेंड हो गया है, मान लीजिए एक्स नॉट एक्सपेंशन हुआ है, तो आप इक्वेशन लिखेंगे kx not equal to mg लिखेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर तो अभी कोई मोशन नहीं रुका हुआ है तो kx not mg के बराबर लिखेंगे, लिखेंगे ना, ध्यान से सुनिए बेटा प्लीज बातें ना करो। अच्छा आप बोलेंगे सर अभी रुका हुआ है तो kx not mg के बराबर, अब यहाँ से छोड़ते थे स्फीयर यहाँ आ गया, तो मैंने माना वायर में एक्सपेंशन x का हो गया, तो अगर वायर में पहले से एक्सपेंशन वेट की वजह से तो हो चुका था x not, अब x और एक्सपेंड कर गया तो टोटल वायर में एक्सपेंशन कितना हो गया बेटा x not plus x, तो अब जो आप बोलेंगे टोटल फोर्स जो टेंशन का लगेगा वो k x not plus x लगेगा, भाई k into total expansion, x not पहले से मैंने माना था और x और हो गया मोशन की वजह से, अब यहाँ mg इधर लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर there is some speed, बिल्कुल मैं agree करता हूँ speed इधर है, तो आप net force towards the center centripetal से बना सकते हैं, या फिर जितना force center की तरफ उतना ही force बाहर की तरफ mv square by r centrifugal बना सकते हैं, तो आप अगर दिखे हैं तो k x not plus x which is equal to mg plus mv square by r, है ना, बिल्कुल आराम से सुनना, और क्या होता बेटा कि k x not mg के बराबर है तो k x not mg से कट गया, देखो k into x not और k into f कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो यहाँ पर जो k into x है वो किसके बराबर आ गया, mv square by l के बराबर आ गया, इसीलिए देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने डायरेक्ट लिखा के एक्स, देख रहे हैं k की वैल्यू y a अपॉन l, ठीक है, और उसके बाद इनटू x और mv स्क्वायर बाय r में mv स्क्वायर की वैल्यू मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला, l से डिवाइड करो, डायरेक्ट ये इक्वेशन पे ले आया मैं, क्योंकि उसके पीछे की कहानी है कि मैंने ये समझ लिया बहुत सिंपल वे में कि ये जो एक्सपेंशन हुआ वो क्यों हुआ, इतना और क्यों खींच गया, फ्लोर और इसके बीच में 2 mm का गैप था, जब यहां से छोड़े तो 2 mm का गैप खत्म, अब ये रगड़ने लगा लगभग, तो ये 2 mm किसके वजह से आया, तो ये सिर्फ mv स्क्वायर बाय r के वजह से आया, इसके वजह से ये एक्सपेंशन हुआ है, वेट का रोल था वो अपना इक्विलिब्रियम के टाइम पर ऑलरेडी कुछ एक्सपेंड था जो कि mg के बराबर है, देखो यहां और अपने आप कट पिट करके आ गया, तो मेरे दिमाग में पहले ही ये कांसेप्ट आ गया था कि 2 mm का जो एक्सपेंशन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है, तो mv स्क्वायर बाय r या l इज इक्वल टू और डायरेक्ट k into h v, x जो एक्सपेंशन फर्दर हुआ वो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से हुआ, तो डायरेक्ट kx इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, बात समझ में आया, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आता कि सर ये क्यों नहीं किया, तो ये इक्विलिब्रियम के लिए ये था और ये यहां था, कट पिट के यहीं पहुंच गया, बोलो समझ में आया, तो आप पूरी तरह से शायद कंफ्यूजन दूर हो गया कि अगर आपके दिमाग में आता कि नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल से बनाओ, तो वो सारी चीजें हमने करा और डायरेक्ट यहां पहुंच गया, बोलो क्लियर हो गया बेटा, अब आपका आंसर यहां से सटीक आएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूं, अदरवाइज आपको लग रहा है कि आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आंसर आएगा, समझ गए, आ गया, बोलो समझ में आया, चलो मैं मिटा,
बातें नहीं। हाँ अब देखिए, सुनिएगा बेटा ध्यान से। तो हम लोग हीट पढ़ रहे थे, हीट में हम लोगों ने पिछले दिनों शायद क्या पढ़ा था, ला दिया सृजन, व्हाट इज दिस, आराम से। हाँ चलिए देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अच्छा पेंडुलम वाले क्वेश्चन करा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा थर्मल स्पेस। ध्यान दीजिए थर्मल स्पेस, प्लीज बातें नहीं और सुनिएगा थर्मल स्पेस। देखिए देखिएगा प्लीज, थर्मल स्ट्रेस। देखिए थर्मल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, इसको समझिए प्लीज सुनिए। थर्मल स्ट्रेस होता है बेटा कि मान लीजिए एक रॉड है, आराम से मेरी बात सुनना। तो ये एक रॉड है और इसको दो फिक्स्ड बॉल के बीच में मैंने ऐसे रखा, बिल्कुल आराम से सुनना। इसको मैंने फिट कर दिया, अभी रॉड में कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं है, रॉड अपने नेचुरल लेंथ में है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप सुनते रहेगा। तो रॉड अभी नेचुरल लेंथ में है, देयर इज नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ऐसे दो रिजिड वॉल के बीच में फिक्स कर दिया गया। अब एक सवाल मैं आपसे पहले पूछता हूँ बेटा, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये बेटा कि अगर मैं इस रॉड को एक टेबल पे रख दूं और इसको मैं गर्म करूं, यानी इसको मैं हीट दूं, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इसका लेंथ इंक्रीज करेगा? यस इंक्रीज करेगा, ये फैल जाएगा। तो व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द रॉड? अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेन कितना होगा, बताइए स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। यानी अगर रॉड ऐसे रखा हुआ है और रॉड का टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, मैंने पूछा स्ट्रेन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल कितना हुआ, एल अल्फा डेल्टा बीटा, और एल से एल कट गया, कितना हुआ स्ट्रेन बेटा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक टेबल पे फ्रीली एक रॉड रखा है, गर्म करेंगे, तो बताइए स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, अल्फा डेल्टा बीटा। बट ये रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा जीरो। क्या आएगा आंसर, जीरो। यानी अल्फा डेल्टा थीटा से भी आंसर आपका आएगा और ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा जीरो। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते थे कि अगर इस रॉड को फ्रीली मैं टेबल पे रखूं तो इसमें स्ट्रेन जीरो होगा, गर्म करने पर यह फैल जरूर रहा है, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा आपको लग भी रहा है, लेकिन स्ट्रेन यहाँ पर जीरो होगा, आंसर यहाँ पर हम बोलेंगे जीरो। तो इसका एक रीजन है बेटा कि स्ट्रेन तब डेवलप होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है व्हेन डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जब डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, तब उसका लेंथ बढ़ता है। जैसे इस रॉड का गर्म करने में जितना लेंथ बढ़ा, अगर मैं खींच के लेंथ बड़ा करूँ, देन देयर विल बी द स्ट्रेन, बिकॉज जब वो लेंथ चेंज हो रहा है तो उस लेंथ के चेंज का अंदर अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, यानी उस चेंज का कोई अपोज नहीं कर रहा है। दैट इज अगर अपोज नहीं कर रहा तो उसे डिफॉर्मेशन वर्ड नहीं बोलेंगे हम। स्ट्रेन तब बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन बोलते ही समझ में आना चाहिए कि बॉडी अपने शेप में रहना चाहता है, उस शेप से जरा सा लेंथ खींचोगे बस रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, तब हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन और तब बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन। यहाँ पर रॉड के लेंथ का फैल जाना टेम्परेचर की वजह से इज नॉट अ डिफॉर्मेशन, वो तो खुद चाहता है कि हम एक्सपेंड कर दो, और इस एक्सपेंशन का कोई विरोध नहीं करता, वो टेम्परेचर बढ़ाओगे खुद ही फैल जाएगा, यानी कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगी, कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा। तो दिस इज हियर स्ट्रेन इज जीरो। सिंपली बोलेंगे सर यह स्ट्रेन है ही नहीं, स्ट्रेन तो जीरो है। इसलिए एक कंफ्यूजन मिसकंसेप्शन हम लोग के दिमाग में रहता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होता है। नहीं, स्ट्रेन तब होता है जब डिफॉर्मेशन होता है, जब उस लेंथ के चेंज का अपोज कर रहा हो रॉड अपने आप में ही। आप रॉड में इलास्टिक रबर को खींचते अपोज करता है, वो तो उसमें टेंशन डेवलप हो रहा है,
स्ट्रेन डेवलप लॉस के अंदर, बोलो क्लियर। तो यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम स्ट्रेन का आंसर क्या देंगे, जीरो, बोलो क्लियर। अब यहां पर बेटा ये बात तो समझ में आ गई, इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है तो हम बोलेंगे स्ट्रेन जीरो है। अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, अगर मैं यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाऊं, मान लीजिए टेम्परेचर मैंने डेल्टा थीटा से बढ़ाया, तो क्या रॉड इस लेंथ में रहना चाहेगा, नहीं, वो एक्सपैंड होना चाहेगा, तो वो वॉल को पुश करेगा बाहर की तरफ, क्या वॉल को पुश करेगा, और वॉल खिसक नहीं पाएगा, वॉल स्लाइड नहीं हो पाएगा। तो अगर वॉल स्लाइड नहीं होगा तो ये जो लेंथ है इस लेंथ में नहीं रहना चाहता, धकेलना चाहता है, फैलना चाहता है, और वॉल इसको फैलने नहीं देगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा बेटा, स्ट्रेट लेंथ स्ट्रेट है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा, उस केस में बोलेंगे रॉड अंडर टेंशन होगा, रॉड में टेंशन डेवलप होगी, रॉड फैलना चाहता है, बॉल फैलने नहीं दे रहा है, तो ये बॉल को धकेलेगा, बॉल इस पे टेंशन फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स धकेलेगा बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ, यहाँ पर रॉड में टेंशन बाहर की तरफ डेवलप होगा और ये बॉल को धकेलेगा, हट भाई मेरे को फैलने दे। इस समय बोलेंगे सर देर इज सम स्पेस, सो देर इज सम स्ट्रेन, यहाँ बोलेंगे सर स्पेस है, यहाँ पर टेंशन डेवलप हुआ, यानी इस लेंथ का अपोज हो रहा है, सो बोलेंगे यस नाउ हियर स्ट्रेन इज डिफाइंड, हम बोलेंगे हाँ यहाँ स्ट्रेन डिफाइंड है। बड़ी अजीब विडंबना है, बड़ी अजीब विडंबना है कि यहाँ लेंथ बढ़ा नहीं फिर भी स्ट्रेन है, यहाँ लेंथ बढ़ा नहीं लेकिन फिर भी स्ट्रेन है, बोले हाँ सर यहाँ स्ट्रेन है, जबकि लेंथ नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, बॉल बढ़ने नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्ट्रेन है क्योंकि स्पेस है, इस लेंथ का अपोज हो रहा है, इसलिए बोले यहाँ सर स्ट्रेन है, और मुझसे कहेगा स्ट्रेस बताओ कितना है, तो हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्पेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पर बेटा मुझे स्पेस निकालना है, तो स्पेस इज इक्वल टू, इस स्पेस को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ है, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। मैंने खींचा नहीं इसे, मैंने धक्का नहीं दिया अंदर की तरफ, बस दो बॉल को जो फिक्स कर दिया और टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना का काम कर दिया, बस उसके बाद इसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड द थर्मल स्ट्रेस, एंड थर्मल स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अच्छा, हो सकता है टेंशन दे, तो टेंशन अपॉन एरिया से स्ट्रेस निकल रहा है, और यानी फिर यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन। अब यहां पर आप लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है, यहां पर आप लगा सकते हैं स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यहां पे यंग्स मॉडुलस और चेंज इन लेंथ हो गया एल अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन एल से एल कट गया, सो यहां पर जो थर्मल स्ट्रेस होगा उसका फॉर्मूला आप लिखेंगे यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इनटू डेल्टा थीटा, तब जाकर के हमें स्ट्रेस सॉल्व हो गया, तो यस दिस इज द स्ट्रेस, यस दिस इज द स्ट्रेस। नहीं ना आया चेंज इन लेंथ, यहां पर ये जो मैंने भारी भरकम का वर्ड बोला विडंबना, क्या बोला विडंबना, विडंबना क्या है कि क्या लेंथ बढ़ा नहीं, क्या लेंथ घटा फिर भी बोले स्ट्रेन हो गया। बेटा फिर वही बात है, अभी समझाता हूं, एक मिनट रुको, एक छोटी सी बात समझो बेटा, बच्चों बच्चों एक छोटी सी बात बताओ, क्या इस लेंथ में रहना चाहता, अभी गर्म करेंगे, क्या इस लेंथ में रहना चाहता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका ओरिजिनल लेंथ यहां तक होता, बॉल ने इसको दबा कर ऐसे रखा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जब नॉर्मल टेम्परेचर था तो रिलैक्स था, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या इस लेंथ में रहना चाहता है, इसी लेंथ में ये डिफॉर्म्ड स्टेट में आ गया, इसी लेंथ में ये किसमें आ गया, डिफॉर्म्ड यानी कि कंप्रेस्ड स्टेट में आ गया। अब इसका ओरिजिनल लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाता, अगर ये रॉड फ्री छोड़ देते तो यहां तक रहता, ऐसा लग रहा है कि आपने क्या किया, पुश करके यहां तक कर दिया, तो सो चेंज इन लेंथ है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहां पर रॉड में टेंशन डेवलप हो रही, डिफॉर्म्ड स्टेट में, और डिफॉर्म्ड स्टेट में इसका स्ट्रेन है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पहुंचो शांत शांत, अरे केवी बेचारा वहां पे मच्छर काट रहे हैं, मच्छर खा रहे तुम्हें, अरे केवी पर मच्छरों का हमला, एक्चुअली मनोज कुमार सिंह यहाँ आ गया ना,
कल तुम नहीं आया था? और ये लोग बोल रहे थे कि गाय ढूंढने गया अपना। केवी तो बोल रहा था कि भैंस उस रहा था, तब मैं जाता आराम से, नहलाने का काम किया जाता। बिटाय तो ये था थर्मल स्ट्रेस, जिसमें कि आपको अपना मुंडी ऊपर करना पड़ता है बेटो बच्चों। ये होता है मेरे साथ। पानी ला, पानी ला, पानी ला। ये कौन-कौन सी बॉटल लेके चल रही है? ऐसा लग रहा कि वो नहीं चल रहा, वो स्वाइन वाटर क्या? अरे झूठा है। लो ये भी झूठा है। बहुत बढ़िया। हाँ अरे वाह, रुक जाओ मनोज कुमार सिंह, क्या बात है। हाँ भाई चलिए मिटाए। देखिए हाँ भाई तेज चलो, ध्यान दो इधर इधर, चाचा मैं इधर याद कर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सुनना ध्यान से। बायोमेट्रिक स्ट्रीम पे एक सवाल आता है बेटा, जो कि नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि सैलेश नाम का कोई लगा नहीं है। देखिए चलो हो गया, इधर ध्यान, इधर ध्यान, मैं इधर हूँ। देखिए बायोमेट्रिक स्ट्रीम का सवाल आता रहता है बेटा, छोड़ दो भाई। देखिए बायोमेट्रिक स्ट्रीम का सवाल आता रहता है, और ये सवाल आप पूछता नहीं है, लेकिन चूंकि जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो 15-20 साल पुराने सब क्वेश्चन अवेलेबल है। नीट तो 4-5 सालों से हो रहा है, कहाँ से लाएंगे इतने सारे सवाल? तो बच्चों को प्रैक्टिस के लिए वही पुराने सवाल दिए जाते हैं, उसमें आपको बायोमेट्रिक स्ट्रीम का सवाल मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से पहले सुनिए, बायोमेट्रिक स्ट्रीम में बेटा सबसे पहली बार ये दो डिफरेंट मेटल से मेटल के स्ट्रिप को जोड़ करके ऐसे बनाते हैं। ये ठीक से वेल्डिंग कर दिया गया, ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है, दो डिफरेंट मेटल है बेटा, और इसको ठीक से वेल्ड कर दिया गया ताकि क्रैक ना हो, कहीं अलग ना हो। रुकिएगा ध्यान से, अब क्या हुआ बेटा कि यहां पर इसका ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। जब हम गर्म करते हैं बेटा, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो देखा ये जाता है कि ये स्ट्रिप जो स्ट्रेट है अभी, वो बेंड हो जाती है, ये स्ट्रिप कर्व्ड हो जाती है। हमसे ये सवाल, हाँ थ्योरेटिकल सवाल, ये बहुत सही बात है, पूछा जा सकता है कि ये थ्योरेटिकल सवाल आएगा कि यदि आपसे कहा जाएगा अल्फा वन बड़ा है, अल्फा टू छोटा है, लेट अस सपोज, तो बोलेगा कि इसमें जो बेंडिंग होगा वो किधर की तरफ, यदि कॉन्वेक्स पार्ट किधर होगा, कॉनकेव पार्ट किधर होगा। तो देखो बेटा ये वन का अल्फा बड़ा है ना, ये ज्यादा तेजी से फैलेगा, ये कम तेजी से फैलेगा, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। यानी अगर ये रहेगा अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू, अगर ऐसा है अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू है, तो ये बेंडिंग इस साइड हो जाएगी, कॉन्वेक्स की तरफ वन आएगा और कॉन्केव की तरफ टू आएगा, यानी बेटा ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। रुके रुके, अगर मान लीजिए अल्फा टू बड़ा है, अल्फा वन छोटा है, अगर ये बड़ा नहीं चल ज्यादा तेज से फैलेगा और ये जुड़ा हुआ है, तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगा, यानी उस केस में ऐसा बेंड हो जाएगा, यानी वन की तरफ होगा कॉनकेव और टू की तरफ होगा कॉनवेक्स। पहले तो ये बेंडिंग वाले सवाल इस तरह से, जो कि बहुत आसान होते हैं, ये हमने समझ लिया है ना, बहुत आसान है। जो जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा है ना, उसके अपोजिट बेंडिंग होगी, उसके अपोजिट बेंडिंग होगी, समझ में। जिसका अल्फा कम रहेगा उसकी तरफ बेंडिंग होगी, इधर की तरफ बेंडिंग होगी, जिसका अल्फा कम है इधर की तरफ बेंडिंग होगी। बोलो क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें बेटा एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्या कह दीजिए, एक डेरिवेशन है जिसमें कि एक कंसेप्ट बताया गया है, तो वो देख लेते हैं। इसे मिटा दूं मैं या लिख रहा हूं, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए शांति।
वो पूछ रहा सब ठीक तो है। शांत रहिए, शांत। देखिए, अब ध्यान से देखिए, सुनिए बेटा, इधर ध्यान से सुनिए। अब इसमें बेटा बायोमेट्रिक स्ट्रिप में एक सवाल आता है, किसी के पास वो सवाल है क्या? बायोमेट्रिक स्ट्रिप में सवाल ये आता है, सुनिए, बायोमेट्रिक स्ट्रिप में सवाल यह है कि दो मेटल के प्लेट को सही से जोड़ करके बायोमेट्रिक स्ट्रिप बनाया गया। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। और अब बेटा यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये बेंड हो गया, तो बेंड हो गया तो हमसे कहेगा इस स्ट्रिप का रेडियस सॉल्व करो। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द स्ट्रिप? ऐसे करके सवाल आता है। सवाल क्या आता है? एक फॉर्मूला मैं डिराइव कर देता हूं, उसी फॉर्मूले को रट्टा मार लो। अब सुनो ध्यान से कैसे करते हैं, देखिए। और इसमें स्ट्रिप की विड्थ डी, और डी मैंने मान लिया। इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो। अच्छा मुझे बताओ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मुझे ही बताओ बेटा किसका अल्फा बड़ा है? बनिकाया तुमका वन। अब सुनो ध्यान से, इधर सुनो, हम क्या करेंगे, ये आर्क की तरह है और ये आर्क है तो सेंटर पर एंगल बनाएगा। इधर ध्यान देना, मुझे इस स्ट्रिप की रेडियस बतानी है। तो स्ट्रिप की रेडियस का मतलब बेटा ये स्ट्रिप, ये मेटल प्लेट दोनों थिकनेस सेम है, ये भी डी ये भी डी, तो रेडियस कौन सा बताए? इस वाले का, इस सर्कल का रेडियस बताए, इस सर्कल का रेडियस बताए, सेंटर से इसका डिस्टेंस बताए, रेडियस बताए। एक्चुअली बीच वाले लाइन का बोलते हैं, मिड लाइन जो होता है उसी को स्ट्रिप का रेडियस कहते हैं। मुझे ये रेडियस आर सॉल्व करनी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब पहले वाले प्लेट को देख रहा हूं, अब पहले वाले प्लेट का रेडियस कितना है? तो पहले वाले प्लेट का एक एज ये और दूसरा एज ये है, और इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। तो हम क्या करते हैं, बीच वाली लाइन प्लॉट करते हैं ऐसे, यानी इस प्लेट का तो इधर वाले का रेडियस अलग आएगा, इधर वाले का रेडियस अलग आएगा, तो मीन लाइन खींचते हैं, यानी बीच वाली लाइन प्लॉट करते हैं। इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ आर वन है, इसका रेडियस ऐसे करके मैं सपोज कर लेता हूँ आर वन है, और मैं आर वन की वैल्यू लिखता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, देखो तो बेटा ये d बाई टू होगा, आधा है ना, d का आधा d बाई टू है ना, ये देखिए थिकनेस कितनी है d, तो d का आधा d बाई टू। क्या आर वन की वैल्यू r प्लस d बाई टू होगा? जल्दी बताइए। और एंगल बराबर r का कौन रेडियस होता है? एंगल बराबर r का कौन रेडियस? इस आर्क की लेंथ, शुरू में दोनों की लेंथ इक्वल थी, टेम्परेचर बढ़ाने पे बेंड हुआ, तो लेंथ ऑफ द आर्क लिखेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मान लीजिए दोनों की लेंथ स्ट्रेट थी l, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ दोनों का बढ़ा और बेंड हो गया। अभी जो लेंथ मिलेगा क्या l ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा होगा? जल्दी बताओ। yes. है ना, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, क्या रेडियस में r प्लस b बाई टू लिखूंगा? बोलो सही लिखा बेटा। अब उसके बाद थीटा, अब इसके लिए देखेंगे सेकेंड स्ट्रिप के लिए, सेकेंड स्ट्रिप का एक एज ये और एक एज ये, तो बीच वाली मीन लाइन खींचेंगे, है ना, इसकी रेडियस ये बोलेंगे r2। क्या r2 की वैल्यू में r में से d by 2 सबट्रैक्ट करूंगा? तो देखिए एंगल बराबर r, तो r को ही लिखूंगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा अपॉन r माइनस d by 2 लिखूंगा, सही है? अच्छा आप दोनों को इक्वेट करूंगा, क्योंकि ये भी एंगल बराबर है, ये भी एंगल, ये दोनों को इक्वेट करो, l से तो कट जाएगा, कट गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, r माइनस d by 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r माइनस d by 2 प्लस फिर r माइनस b बाई टू का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट अभी नहीं खोलते हैं, r माइनस b बाई टू इंटू अल्फा वन डेल्टा थीटा, सही है? और उसके बाद बेटा इधर की तरफ बात करेंगे, देखिए l से कट गया, तो r प्लस b बाई टू लिखेंगे, जल्दी बताओ सही लिखा हो ना, और r प्लस b बाई टू का इससे मल्टीप्लाई, r प्लस b बाई टू इंटू अल्फा टू डेल्टा थीटा, सही लिख रहा हूँ? अच्छा अब r से r कैंसिल आउट हो गया, अब एक काम करते हैं, माइनस डी बाई टू उधर जाएगा तो प्लस डी बाई टू, डी बाई टू और डी बाई टू ऐड होगा तो डी हो गया,
चलिए उसको डी कर लेते हैं। और ये टर्म जो है, ये टर्म जो है, ध्यान दीजिए, इसको इधर ले के आते हैं, इसको उठा के उधर ले गए तो ये लिख दिए, और इस टर्म को उठा के इधर लाते हैं। इसमें देखिए डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा कॉमन है, तो हम डेल्टा थीटा कॉमन ले लेते हैं, सही है बेटा। और ब्रैकेट खोलते हैं, आर अल्फा वन माइनस डी बाई टू अल्फा वन, सही है, ये चीज इधर माइनस रहेगा, माइनस आर अल्फा टू माइनस डी बाई टू अल्फा टू। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब क्या है बेटा कि ये थिकनेस भी बहुत छोटा है, ये थिकनेस की स्ट्रिप बहुत लंबी लंबी है और डी बहुत छोटा है। तो देखिए, एक तो डी ये बहुत छोटा है, उसमें अल्फा का मल्टीप्लाई भी है, अल्फा मैंने बताया था 10^-5 -4, तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा, तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे। कौन कौन से टर्म नेग्लेक्ट होंगे, ये वाला और ये वाला। क्यों नेग्लेक्ट कर, एक तो ये बहुत छोटा, ऊपर से उसमें और भी छोटी चीज मल्टीप्लाई तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये और ये नेग्लेक्ट हो गया। तो d बराबर होगा डेल्टा थीटा, और यहाँ r और r कॉमन हो गया, तो r ब्रैकेट में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आएगा। तो मुझसे कहता है कि रेडियस ऑफ द बाइमेटेलिक स्ट्रिंग, तो फॉर्मूला याद रखना है, r इक्वल टू d अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा थीटा। ये समझ में आ रहा है? यानी अगर आपसे बोले कि बाइमेटेलिक स्ट्रिप का टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द बाइमेटेलिक स्ट्रिप, तो बोले रेडियस होगा d अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और नीचे में डेल्टा थीटा। ये आपको एक सवाल मिलेगा डायरेक्ट इस पे। आराम से, सब व्यर्थ है। क्या आप स्पीडली लिखते हैं? मिटाओ, शांति प्रिंस की दीदी, शांति। तुम दोनों बहन हो, मतलब जानती हो, सोनी दीदी प्रिंसी दीदी किसी को जानती हो क्या? नहीं, नहीं जानती हो, पक्का नहीं जानती हो, श्योर समझ लो। ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे एक ही फ्रेम से तुम लोगों को बनाया है। अरे फ्रेम मतलब अच्छा, कहते हैं कि दुनिया में एक तरह की शक्ल के साथ लोग घूमते हैं, ऐसा होता है क्या?
टेस्ट में कुछ लोग एब्सेंट थे, इसलिए एक दिन पहले बता दिया जा रहा है कि कल यदि कोई टेस्ट में एब्सेंट रहा किसी भी कारण पर, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, तो मंडे को कम से कम वो छुट्टी पे रहना पड़ेगा और ट्यूजडे भी, तो गेट से वापस करूँगा बता दिया है मैंने। मंडे को संडे को नोट किया, लास्ट टेस्ट जो हुआ पहले कुछ लोग एब्सेंट थे और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मैं बीमार हो गया, पड़ोसी बीमार हो गया, उसके उसको पड़ोसी बीमार हो गया, कि मैं घर चला गया, समझ लीजिएगा कोई एक्सक्यूज नहीं। टेस्ट में सभी को आना कंपलसरी है, ठीक है, नो एक्सक्यूज, कुछ भी नहीं, चलिएगा। कल टेस्ट टाइमिंग पता ही होगा, जो नॉर्मल टाइमिंग है वही टाइमिंग है आप लोगों का, ठीक है। टाइम के वजह से होता है, 10 o'clock टाइमिंग है भाई, सुबह 10 बजे से 10 to 1, ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ भाई, फिर हैदर चार, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अच्छा बायोमेटेलिक स्ट्रीम की कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब सुनिए बेटा, ये सुनो सुनो एक चीज और, ऐसा है कहानी इसमें बेहतर रहता है, इस पॉइंट को जरा समझना। जैसे मान लो बेटा एक स्केल है, क्या बेटा स्केल, अब देखिए दो तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान देना। अगर मान लो मैंने बोला ये स्केल है और ये मान लीजिए कोई मेटलिक स्केल है, मेटल का बना हुआ है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये ध्यान दीजिएगा इस पे ऐसे करके मार्किंग बनी हुई है ना, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग है इसके अंदर। अब सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इस स्केल के का यूज हम लोग किसी स्ट्रिक या रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए कर रहे हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट रॉड की, रॉड को हमने, जिस रॉड को मेजर करना है उसके बगल में स्केल लगाया और ये रॉड यहां तक है, मैंने रीडिंग लिया मान लो मिलीमीटर में, तो ये वाला 1, 2, 3, 4, 5 mm, ये 10 mm और ये 15 mm, तो हमने कहा यार इस रॉड की लेंथ ना 15 mm है। और मान लीजिए आपको बोलेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ये करेक्ट रीडिंग देता है, या बोलेगा ऐसे कि एक स्केल को जो है ग्रेजुएट किया या कैलिब्रेट किया है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे वो सही रीडिंग देगा, बोलो क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन बोलेगा, इसमें दो तरह का सिचुएशन होता बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला सिचुएशन, इसमें ये मैं मान रहा हूँ कि स्केल जो है मेटल का है और रॉड जो है वो लकड़ी का है, या ऐसा रॉड है कि जिसको गर्म करने पे एक्सपेंड नहीं, और ऐसा समझ के चलना, ठीक है, नो एक्सपेंशन इन रॉड, नो एक्सपेंशन इन रॉड, अगर एक्सपेंशन देखे तो रॉड में कोई एक्सपेंशन नहीं है। अब मैंने, मेरे से सवाल ये पूछेगा कि यार मैंने ना 20 से ना 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, तो 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे हम टेम्परेचर, तो ध्यान देना 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी, ये स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी, और रॉड वैसे ही अपनी जगह पर है, रॉड अपनी जगह पर है, रॉड वहीं पर है, रॉड में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन स्केल बेटा बढ़ जाएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैंने 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, तो क्या होता है कि रॉड तो वैसे ही, क्योंकि नो एक्सपेंशन इन रॉड मैंने बोल दिया, तो रॉड का अल्फा जीरो समझ के चलना, और स्टील जो स्टील का स्केल है वो फैल रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो गया, तो क्या होता बेटा कि ये 15 mm वाली मार्क देखो, 15 mm वाली मार्क, एक्चुअली क्या होता है एक्सपेंड होगा तो ये जो मार्किंग है उनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा, तो 15 mm वाला जो मार्क है वो यहाँ से कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 15 mm का मार्क कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, और 15 mm का जो मार्क है अब उसके नीचे ये और ये आएगा, तो आपको देखने में लगेगा यदि 20 से 40 हुआ तो रॉड की लेंथ आपको मेजरमेंट में ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी, तो कम मिलेगी, क्यों लगेगा, अभी यहाँ 15 mm दिखाई दे रहा है, यहाँ 15 mm दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बैठा देंगे 15 से नीचे 40, ये 30, और अब देखिए 15 mm यहाँ आ गया, उसके नीचे 2 डिवीजन 14 और 30, तो आप बोलेंगे अरे यार इस रॉड का ना लेंथ 13 mm हो गया। तो सुनिए ध्यान से, जब स्केल का टेम्परेचर बदल, टेम्परेचर बढ़ाने से स्केल में एक्सपेंशन होगा तो आपको हमेशा रीडिंग कम मिलेगी, और ये सामने सामने कॉमन सेंस है आपके कि ये सर ये कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ये कम हो जाएगी, ठीक है, आराम से समझना। अगर मुझसे कहेगा कि व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग, जैसे मैं तो अभी बताया कि 13 mm रीडिंग,
लेकिन बोलेगा व्हाट विल द न्यू रीडिंग। तो आपको करना क्या बेटा, बहुत सिंपल तरीके से अगर न्यू रीडिंग पूछेगा तो क्या करना, देखिए न्यू रीडिंग अगर पूछेगा तो आपको ऐसे सवाल को कैसे बनाने, बिल्कुल आराम से सुनना, आराम से सुनना। आपको पहले अगर क्वेश्चन पूछ दे कि न्यू रीडिंग कितना होगा, तो देखिए हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ये 15 मैंने टेबल तो मैंने अपनी तरफ से निकाला ना, अभी माना वहां जो भी रहेगा वो लेंथ होता है वो दिया जाएगा, बोलेगा अभी 20 mm आ रहा है, 20 cm आ रहा है, वो दिया जाएगा। अब बोलेगा टेम्परेचर 20 से 40 का बताओ नया रीडिंग क्या होगा। तो अभी करना कुछ नहीं, पहले ना चेंजिंग लेंथ निकालो, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा से निकालोगे। आप क्या सोच रहा कि अच्छा 15 mm है, ये नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कितना का चेंज, सोचिए 15 mm यहाँ से अदर लेंथ में कितने का चेंज होगा। तो एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल की जगह 15 mm अल्फा दिया जाएगा, डेल्टा थीटा दिया जाएगा, रख लेंगे, इतना का चेंज इन लेंथ होगा, मतलब ये स्केल इतना एक्सपेंड कर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा एक्सपेंड होगा उतना ही रीडिंग कम आएगा। यानी मतलब रीडिंग जो होगी वो हमें देना आंसर एल माइनस डेल्टा एल करके आंसर को पकड़ा देना, हो गया भाई आंसर। यहाँ कम करना, रॉड की लेंथ एल माइनस डेल्टा, ये मेजरमेंट में आएगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आएगा नहीं? नहीं आया समझ में, बहुत आसान था। स्केल अगर एक्सपेंड करेगा तो रीडिंग कम आएगी। क्या करना है, स्केल का आपको अल्फा दिया जाए कि स्टील है अल्फा मालूम 20 से 40 आया तो कितने का टेम्परेचर चेंज हुआ 20, तो यहाँ 20 रखना, अल्फा लिखना, एल की वैल्यू 15 mm, डेल्टा एल निकाल दिया, हम बोले यार स्केल उतना बढ़ जाएगा तो उतना ही रीडिंग कम आएगा, एल माइनस डेल्टा एल करेंगे आंसर। बोलो आया समझ में? फिर सुनो, एक मिनट सुनो बेटा, दूसरी बात ये, दूसरा ये होता है कि रॉड भी फैलता साथ साथ, रॉड भी फैलता है, उसमें करना कुछ नहीं है। अच्छा बताओ अगर स्केल नहीं फैलता, केवल रॉड फैलता, रॉड जितना फैलता उतना नया रीडिंग आता। अगर स्केल नहीं फैलता, अब ये 15 से 16 हो गया, तो हम बोलते हैं 1 mm फैल गया तो 16 mm हो जाएगा। तो क्या करना बेटा, उस केस में जो रीडिंग बतानी हो, जानते हो क्या करना होता है, एल माइनस स्केल की बढ़ने की वजह से डेल्टा एल वन माइनस करना है, और रॉड की बढ़ने की वजह से डेल्टा एल टू प्लस करना है। स्केल बढ़ेगा तो रीडिंग छोटी आएगी, स्केल बढ़ेगा तो रीडिंग क्या आएगी, छोटी आ गई, और रॉड बढ़ेगा तो रीडिंग बढ़ेगी। तो यहां पर क्या करना है, स्केल बढ़ रहा है सर, स्केल बढ़ रहा है तो रीडिंग कम होगी, एल माइनस डेल्टा एल वन, पता चला रॉड भी फैल रहा है, तो बोला अच्छा रॉड भी एक्सपेंड हो रहा है, चलो रॉड का चेंज इन लेंथ निकालो, डेल्टा एल टू उसको ऐड कर दो। अच्छा एक बात, एक सेकंड पहले यहां तक लिख लो यार, थिकनेस इज वेरी सिंपल, नॉट थिकनेस बहुत छोटा है, हाँ थिकनेस मेजर भी तो नहीं करते हैं, बस सिंपल बात है। प्लीज ए बातें नहीं, लिख लो यार, लिख लो, काम की बात कर रहा हूं। शांति, आराम से दादी सो गए, अच्छा उसे सोना नहीं कहते। भैया थोड़ा सा ना कंट्रोल रखो, सुनिएगा, मिटा दे, हाँ मैं समझा रहा, मुझे मालूम था, शिक्षक दीदी के दिमाग में एक बार थोड़ी ना बात आएगी, एक बार में नहीं आती, उसके लिए थोड़ा सा हो गया। चलो ध्यान दो, अच्छा बेटा चलो सब लोग बताना, चलो अच्छा मान लो दूसरा केस मैंने ये बोला रॉड भी एक्सपेंड हो रहा है, क्या हो रहा है रॉड भी, चलो ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, अभी रीडिंग एल है और ये करेक्ट रीडिंग है,
और 20 से 40 किया। बताओ बेटा, अगर मैंने बोला स्केल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और स्केल का अल्फा 2 है, रॉड का अल्फा 2 है, व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग? तो बहुत सिंपल, न्यू रीडिंग ऐसे लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, न्यू रीडिंग। देखो क्या लिखेंगे, ध्यान देना, पहले 1 by 1 करके सोचो, एल तो था ही। अच्छा बताओ, 1 by 1 करके सोचो, 20 से पहले 40 गया तो स्केल पड़ेगा, स्केल जितना बढ़ेगा क्या रीडिंग उतना ही कम आएगा? इधर ध्यान दो, मैं इधर हूं, स्केल बढ़ेगा तो क्या उतना ही रेट कम आएगा? एल माइनस डेल्टा एल वन करूंगा, यहां तक समझ आ रहा है? अब सोचो स्केल नहीं बढ़ता, स्केल ये रहता और रॉड बढ़ रहा होता, तो रॉड जितना बढ़ता उतना ही रीडिंग इंक्रीज होता कि डिक्रीज होता? इंक्रीज होता। मतलब ये स्केल क्या करेगा, कम करेगा, और रॉड के एक्सपेंशन से क्या रीडिंग बढ़ाएगा? डेल्टा इसको करेंगे, इसमें कौन सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? नहीं आया समझ में? अब डेल्टा एल वन की वैल्यू कितना लिखेंगे, एल अल्फा वन डेल्टा थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, एल अल्फा टू डेल्टा थीटा। लो जी, हो गया जी सवाल, इसे स्केल और स्टिक वाले क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे, बसरते मेरी बातें याद रखोगे तभी। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देना जरा थर्मल एक्सपेंशन वाला पानी। सब लोग शांति, सब लोग अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, चलिए इसमें थोड़े से सवाल करते हैं जिससे कि क्वेश्चन सबसे बनने लगे, ध्यान देना बेटा प्लीज। चलो अच्छा देखो बेटा, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोले? अच्छा देखिए, लिखा है अ ब्रास रॉड ब्रास एंड लेड रॉड, इन दो रॉड है बेटा, ईच 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिएगा, आर क्लैंप्ड टुगेदर, क्लैंप किया गया, फिर होता एट वन एंड, एक एंड पर दोनों को क्लैंप कर दिया गया, विद देयर फ्री एंड्स कॉन्साइडिंग, उनके फ्री एंड कॉन्साइड कर रहे हैं। आराम से सुनना, अब क्वेश्चन बोला है Find the separation of the free ends of the rods. If the system is placed in steam bath, यानी क्या, कौन सा टेम्परेचर समझेंगे? 500 डिग्री। हाँ, placed in steam bath। और इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ बेटा, और इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि अल्फा ब्रास का लेना है 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, और लेड का लेना है 1 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। चलिए इस सवाल को बनाइए, 1 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं, पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर
आराम से आराम से। तो देखिए बेटा, बोलो नहीं 0.08 सेंटीमीटर लेंस का डिफरेंस क्या है ना, देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे ये ध्यान दो बेटा। देखिए ब्रास और प्लेट का रॉड है, एक एंड पर इन्हें बांध दिया गया। ध्यान दीजिए प्रत्येक का लेंथ कितना 80 सेंटीमीटर। चलिए भाई देखिए ऐसा समझ लीजिए कि इस एंड पर दोनों को बांध दिया गया और फ्री एंड कौन साइड हो रहा, ठीक है। अच्छा देखिए ये ब्रास का बांध लीजिए, ये ब्रास का है और ये 80 सेंटीमीटर लेड है और अभी टेम्परेचर कितना बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कितना करना है 100, ठीक है ना, कि फाइंड द सेपरेशन ऑफ द फ्री एंड्स ऑफ द रॉड इफ द सिस्टम इज प्लेस्ड इन स्टीम बाथ 100 करेंगे। अच्छा देखिए किसका अल्फा बड़ा है, क्या अल्फा ब्रास का बड़ा है, लेड का तो 1 है, इसका 2×10⁻, तो आप दोनों का इनिशियल लेंथ तो सेम है लेकिन अल्फा बड़ा होने से ब्रास तेजी से फैलेगा, ब्रास यहां पहुंच जाएगा और ये लेड यहां पहुंचेगा, तो सेपरेशन ये निकालना है x। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या ये चेंज इन लेंथ ऑफ द ब्रास हो गया और क्या ये चेंज इन लेंथ ऑफ द लेड हो गया? हो गया। तो क्या करना चाहिए x के लिए, क्या करना चाहिए डेल्टा L1 में से डेल्टा L2, तो x इज इक्वल टू होगा डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2 और डेल्टा L का फॉर्मूला कितना होता है L अल्फा डेल्टा थीटा। L तो दोनों का इक्वल है ना, L कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, डेल्टा थीटा भी कॉमन होकर बाहर आएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आएगा। अब L 80 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में है तो 80 सेंटीमीटर का मतलब होता है 800 मिलीमीटर, आंसर मिलीमीटर में दिया है। क्या 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, 800 सही लिख रहा हूं। और डेल्टा थीटा 0 से 100 का डिफरेंस कितने का आएगा 100 और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 2×10⁻¹ में से 1×10⁻¹, पहले तो 10⁻¹ कॉमन हो गया और 2 - 1 कितना होगा, यही होगा ना 1, 2, 3, 4 + 4, तो कितना आएगा 0.8 मिलीमीटर, ये आंसर आएगा या 0.08 सेंटीमीटर लाया तो ठीक लाया। आसान था, बहुत कम लोगों ने बनाया था। अगला सवाल, देखिए बता दें, चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल बेटा प्लीज आराम से ध्यान दीजिएगा। अ मेटलिक रॉड इज हीटेड फ्रॉम 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, अल्फा इज इक्वल टू 10⁻¹ पर केल्विन, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, एटलीस्ट इसको तो बना के दिखाओ। हो गया, जीरो पॉइंट वन परसेंट
परसेंट, 0.01%, 0.1। अमित जी आपका 0.01% आ रहा है, 0.1 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100 निकालना है, यही मतलब हुआ ना। और ये कितना होगा बेटा, एल अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन एल इनटू 100। एल से एल कैंसिल आउट, अल्फा कितना है 10^-5, और डेल्टा थीटा कितना है 100 इनटू 100। अरे अमित जी ऐसा कैसे हो गया, 0.1% होगा। देखिए ना 1, 2, 3, 4 -5 + 4 -1 10^-1 0.1 आ रहा समझ में। अच्छा चलिए देखिएगा बेटा हेडलाइन, वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद टेंपरेचर, वेरिएशन इन डेंसिटी Variation in density of a substance with temperature. बुंदी, अच्छा देखो एक बात सुनो प्लीज, यानी सब्सटेंस की डेंसिटी वैरी करती है टेम्परेचर के साथ, मतलब बढ़ाओगे या घटाओगे टेम्परेचर तो डेंसिटी कम या ज्यादा होगा। देखते हैं क्या हम लोग सभी लोग जानते हैं डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर बेटा गर्म करते हैं सब्सटेंस को तो एक्सपेंशन होगा, क्या मास में कोई चेंज होता है, नहीं, मास कंजर्व है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा वॉल्यूम कम होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एक बार बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या होगा कम होगा, और टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम होगा, और नीचे कम होगा तो ये चीज क्लियर। अब अगर मैंने टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाया तो न्यू डेंसिटी इज रोड एस टेम अपॉन बी ब्रैकेट में 1 + γ डेल्टा थीटा लिखूंगा, बताओ ठीक लिख रहा है। अब एक बात बताओ बेटा मास अपॉन वॉल्यूम का डेंसिटी इक्वल है, या लिख सकते हैं रो डेंस बराबर रो अपॉन 1 + γ डेल्टा थीटा। एक मिनट रुकिए, तो फॉर्मूला क्या आया, रो डेंस बराबर रो अपॉन 1 + γ, यानी सीधा सीधा याद रखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज पॉजिटिव रहेगी, कुछ डिवाइड होगा डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज बढ़ जाएगा डेंसिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटाने पर ये चीज कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, 1 + γ डेल्टा थीटा अगर ऊपर जाएगा तो क्या पावर में -1 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहां पर बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, गामा क्या 10^-5 10^-4 इस तरह का होता है, तो पावर यहां -1 गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो द न्यू डेंसिटी को रोडेस से लिख रहे हैं जो कितना होगा 1 - γ डेल्टा थीटा, तो रोडेस इज इक्वल टू रो ब्रैकेट में 1 - γ डेल्टा थीटा। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाती है, इसको लिख सकते हैं और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस। जल्दी जल्दी बोलो, चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज। यहां तक समझ में आ गया, डेंसिटी की बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें आखिरी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। देखिएगा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड
देखिए, सुनो बेटा, थर्मल एक्सपेंशन ही लिक्विड में क्या कहानी है उसको बात को समझो ध्यान से, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप होता है क्या? नहीं होता है। लिक्विड आप जब भी लेते हैं तो किसी वेसल में ही तो लेते हैं, और जैसा वेसल वैसा उसका शेप कहते हैं। बोलो क्लियर? यहाँ पर क्या होता बेटा कि लिक्विड में सबसे पहली बात यह आपके नॉलेज में होना चाहिए कि लिक्विड में हम अल्फा और बीटा डिफाइंड नहीं करते हैं। लिक्विड को गर्म करोगे तो लिक्विड हर तरफ से फैलना चाहता है, इसलिए बेटा लिक्विड के अंदर हम अल्फा और बीटा को डिफाइंड नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? हम लोग यहाँ पर लिक्विड के केस में ओनली गामा डिफाइन करते हैं। आप क्वेश्चन बनाएंगे, बोलेगा मरकरी एक्सपैंड हो रहा है, आपको जब भी देखिएगा कि मरकरी, तो आपको हमेशा उसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही बात करेगा। तो लिक्विड में अल्फा और बीटा डिफाइंड नहीं होता है, लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ गामा डिफाइंड होता है। ये आपकी नॉलेज में बिल्कुल आ जानी चाहिए बात। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो लिक्विड में एक्सपेंशन होता है बेटा, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। जैसे पहले मेरी बात सुनिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वेसल है और ये देखिए इस तरह का वेसल मैंने इमेजिन कर लिया और इसमें बेटा लिक्विड भर दिया। बिल्कुल आराम से सुनना, ये गर्दन पतली है इसकी, ठीक है, बहुत पतली गर्दन है। अभी मान लीजिए लिक्विड का लेवल ए तक है, मैंने नोटिस करा कि लिक्विड का लेवल ए तक है। अब बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, अब मैं इसे गर्म करता हूँ, है ना, इसको हीट देता हूँ, हीट देने से ये गर्म होगा। अच्छा गर्म होगा तो क्या अकेला लिक्विड ही गर्म होगा? नहीं सर, लिक्विड के साथ ये वेसल भी गर्म होगा। क्या वेसल भी गर्म होगा? यस सर। ठीक है सर, ठीक है, तो वैसे क्यों कर रहे हो बेटा? क्या हो गया? सब ठीक है? एक बच्चा आशीष या क्या नाम है, बाहर का है, कौन है आशीष? आशीष बाहर का है ना, वो आउट ऑफ स्टेशन आगरा से बाहर रहता है ना, कहीं कासगंज वगैरह। नहीं आशीष नाम है, क्या नाम? अच्छा मैं पता करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, मैंने ये सुना और मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि किसी आशीष है या मुझे नहीं आइडिया है, मैं मेरे को नाम ध्यान नहीं है, तो कोई उसके पेरेंट्स जो है वो कितने मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। सुना है कि उनके मम्मी पापा का जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब वो स्थिति ठीक नहीं है जिसमें कि इतने महंगी कोचिंग कराई जा सके, लेकिन वो फिर भी उसको घर से ये मिल रही सुविधा कि वो कोचिंग कर रहा है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार इतनी स्थिति में भी ये कोचिंग करा रहे हैं पेरेंट्स, तो मतलब अच्छी बात है, सलाम है उनको कि भाई इतना मेहनत करके, और वो चाह रहे हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, और बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो एक डॉक्टर अगर परिवार में बन गया तो वो समझो खानदान पूरा सही हो जाता, पूरा खानदान सेटल हो जाता है। और वो चाह रहे होंगे कि यार मेरा बच्चा बस सेलेक्ट हो जाए, फिर देखो पूरा खानदान सेलेक्ट हो जाएगा, किसी को परेशानी नहीं होगी आगे नौकरी की पैसे की। और मुझे जब पता पड़ा तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील हुआ, मैंने कहा यार उस बच्चे का नाम ही नहीं सुना। और नाम नहीं सुनने का मतलब है, नाम हम दो ही लोग का सुनते हैं, या तो कुख्यात या विख्यात, ठीक है, कुख्यात की कैटेगरी में है नहीं वो, कुख्यात लोग का नाम तो वो दो तीन लोग का याद हो गया क्योंकि बीच बीच में ऐसे ड्रामे हो उनका नाम याद हो गया। अब विख्यात अगर होता वो पढ़ने में ठीक होता तो जैसे अरुण है, नितेश है, मेरे जुबान के नाम रहता है, मनोज है, केवी है, ये सब ठीक स्टूडेंट है, मतलब प्रेजेंस शो करते हैं, बनाते रहते हैं, ये लोग शो करते रहते हैं ये बच्चे, ये सब ठीक है, ये सब पढ़ने वाले बच्चे, मतलब सामने आते हैं नज़र में। अब कोई बोला आशीष, क्या तो पता नहीं क्या बोला, मुझे नाम नहीं याद है उसका, और उसके मम्मी पापा बड़े परेशान से रहते हैं, पापा बहुत कम पैसे की नौकरी करते हैं, मम्मी भी किसी तरह से घर का करती है काम, और पूरा गुजारा चल रहा कुल मिला के इस तरह से। तो मुझे बच्चे बच्चे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार बहुत गलत बात है यार, या तो तुम क्लियर बोल दो क्यों मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना कर रखे हो कि हम डॉक्टर बनेंगे। अगर मेरे मैं किसी काम को करने जाता हूँ और मेरी मम्मी बोल देती ना कि तू कर लेगा ये काम, हम बोलते नहीं होता, नहीं होगा, फिर इतना बर्डन मत डाला करो।
प्रेशर हो जाता दिमाग पे, ठीक है, फेल हो गए तो क्या दिखाएंगे वो, ठीक है, तो मैं बोल देता मम्मी हम नहीं करेंगे, मेरे बस का ही नहीं है काम, ठीक है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मेरी माँ ने मेरे ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशन करा, लेकिन मैं बोल दिया मम्मी मेरे से ही नहीं होगा, जो होगा मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, अच्छा करूँगा, खुश रखूँगा, टेंशन मत लो। तो यार वो भी बेवकूफ बोल सकता है घर में जाकर के कि मैं नहीं पढ़ने लायक हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा कोई बिजनेस करा दो, इतना पैसा जो तुम इधर दे रहे हो कहीं अच्छा छोटा सा दुकान खुलवा दो, उसको मैं संभाल लूंगा, दो चार साल उसको अच्छा कर लूंगा। खामा मम्मी पापा को बेवकूफ बना, इतनी दूर यहाँ पढ़ने आया है, और मम्मी पापा भी वहां से सोच रहे होंगे मेरा बच्चा होनहार है, एक दिन परिवार की सारी गरीबी दूर कर देगा, और पता चला यहाँ पे तो वो है ही नहीं, खोया हुआ है। खैर चलिए, ऐसे अगर किसी के भी हालात है बेटा, आई रिक्वेस्ट या तो सही दीजिए, ऑल या नन का कंसेप्ट होता है, या तो ऑल का मतलब कि आप पूरी एफर्ट लगाइए और सिलेक्शन दीजिए, और नहीं तो मत करिए, बीच के हिसाब किताब में ना कभी हाँ कभी ना में ना दिक्कत होती है, कहीं के नहीं रहेंगे आप, और आप तो फेल होकर के मुस्कुराते हुए बत्तीसी दिखाते हुए करते हुए अरे नहीं हुआ क्या करें, लेकिन पता है आपके इस हरकत की वजह से कितने लोगों का सपना टूटता है, या तो पहले ही सपने मत दिखाओ, बहुत लोगों का मतलब नहीं हो रहा है, आप खामखा मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुकान खुलवाओ या BSc करवाओ, बात खत्म कराओ, मेरा कहाँ रहता फैला के रखे हो, ध्यान दो इधर। अभी देखिए ये ए है लिक्विड का लेवल, भैया प्लीज अभी बर्तन में ना लिक्विड का लेवल ए है। अच्छा बेटा अगर मैं गर्म करूंगा तो क्या ये बर्तन भी गर्म होगा लिक्विड के साथ? यस। अब देखिए बेटा लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और बर्तन भी एक्सपेंड करेगा, तो मैं ऐसा पहले मान के चलता हूँ, मेरी बातें सुन रहे होंगे ना, तो मैं ऐसा पहले मान के चलता हूँ कि बर्तन एक्सपेंड नहीं कर रहा है, वैसे एक्सपेंड नहीं कर रहा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। कुछ ऐसा बर्तन है मान लो इस टाइप का कि उसका अल्फा बीटा गामा जीरो है, यानी ये जो वेसल है सॉलिड है, इसका कोई एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर गर्म हो रहा है लेकिन एक्सपेंड नहीं हो रहा है, लिक्विड गर्म होने का एक्सपेंड हुआ, और मान लीजिए ये लिक्विड ए से बी तक एक्सपेंड होकर के इस लेवल तक आ गया, तो आप बोलेंगे अरे यार लिक्विड एक्सपेंड हो गया, देखो पहले ए पर था बी पर आ गया, दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्चुअली लिक्विड एक्सपेंशन समझ में आ रहा है, क्योंकि बर्तन के फैलने से लिक्विड के एक्सपेंशन आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि रियली में कितना हुआ, अभी बर्तन एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो लिक्विड का लेवल ए से बी तक गया। अब अगर मान लो दूसरी बात कर रहा हूं, पहली बात ये करा कि बेटा बर्तन एक्सपेंड नहीं हो रहा है, अल्फा जीरो है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो लिक्विड ए से बी तक गया, हम बोले लिक्विड में इतना एक्सपेंशन हुआ। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरी बात ये कर रहा हूं कि मान लीजिए वेसल भी एक्सपेंड हो रहा है, मान लीजिए वेसल भी एक्सपेंड हो रहा है, गर्म करने पे वेसल भी एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड भी एक्सपेंड हो रहा है। अमूमन नॉर्मली सॉलिड का एक्सपेंशन कम होता है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, अगर सेम वॉल्यूम का लिक्विड और सेम वॉल्यूम का सॉलिड है तो लिक्विड ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होता है, सॉलिड उसमें लिक्विड के रिस्पेक्ट में कम तेजी से एक्सपेंड होता है। यहां पर गर्म कर रहे हैं, है ना, हीटर पे चढ़ा दिया, गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया, हीट मिला, गर्म हुआ दोनों के दोनों, बर्तन भी फैल रहा है और लिक्विड भी फैल रहा है, वहां पर लिक्विड का लेवल ए से बी तक न जाकर के ए से सी तक जाएगा। आप बोलेंगे अरे यार ये दूसरे वाले बर्तन में ना जब उसी लिक्विड को गर्म करते हैं ना तो पहले तो बहुत ऊपर तक जाता था पहले वाले बर्तन में, और दूसरे वाले बर्तन में जब हम उस लिक्विड को गर्म करते तो ए से सी तक ही जा रहा है, ऐसा लगता है लिक्विड कम फैला। एक्चुअली क्या होता है बर्तन का फैलना में नहीं दिख पाता है, बर्तन एक्सपेंड करता है, शेप वही है बर्तन का, बस हल्का हल्का एक्सपेंशन होता है, हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती, ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, लेकिन एक्सपेंशन होता है, हमारी आंखें उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती, लेकिन एक्चुअली में एक्सपेंशन तो होता है, और एक्सपेंशन होने से अब जैसे जरा सा ही एक्सपेंशन डायमीटर बढ़ा इधर वाला तो लिक्विड जो एक्सपेंड हुआ उसमें थोड़ा इधर कंज्यूम हो गया तो इधर लेवल कम ऊपर चढ़ा। तो ऐसे बर्तन में जिस बर्तन का एक्सपेंशन भी हो रहा है टेम्परेचर के साथ, वैसे वेसल के अंदर लिक्विड में एक्सपेंशन कम नजर आता है, दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट मतलब आभास होना, दिखना, लगना, अरे यार लिक्विड कम एक्सपेंड हो रहा है। रियल एक्सपेंशन कब होगा? जब वेसल एक्सपेंड नहीं होगा। तो अगर बेटा आपसे बोले रियल एक्सपेंशन तो बताओ इसमें कौन एक्सपेंड करेगा और कौन नहीं करेगा, जल्दी बताओ।
लिक्विड एक्सपेंड्स ओनली, वेसल डज नॉट. लिक्विड एक्सपेंड्स बट वेसल डज नॉट. लिक्विड एक्सपेंड्स बट वेसल डज नॉट. बोलो क्लियर. और बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस डायग्राम में रियल एक्सपेंशन ए से सी है या ए से बी है? ए से बी. दिस इज द रियल एक्सपेंशन. क्लियर. और अपेरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है मुझे बताइए. अपेरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है मुझे बताइए. दोनों ही एक्सपेंड होते हैं. दोनों ही expand. अच्छा एक बात है, दोनों एक्सपेंड होते हैं लेकिन एक्सपेंशन दिखाई किसका देगा? लिक्विड का. वेसल का दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा. तो उस समय जो हमें दिखाई देगा उसमें ऐसा लगेगा कि लिक्विड में एक्सपेंशन कम हुआ. ऐसा लगेगा कि लिक्विड में एक्सपेंशन कम हुआ. तो हम दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन. अरे यार अच्छा एक मिनट सुनो. एक लीटर पानी कॉपर के बर्तन में रखो, लोहे के बर्तन में रखो, स्टील के बर्तन में रखो. एक लीटर पानी कॉपर के बर्तन में रखो, आयरन के बर्तन में रखो और स्टील के बर्तन में रखो. एक लीटर पानी गरम करोगे, अरे अरे आराम से गरम करो तो एक लीटर में ना रियल एक्सपेंशन तो हर जगह वही होगा, चाहे वो कॉपर के बर्तन में हो, चाहे वो आयरन के बर्तन में हो, चाहे वो उस पानी में एक्सपेंशन तो उतना ही होगा, रियली में उतना ही होगा. लेकिन बर्तन के साथ में एक्सपेंशन होने की वजह से, बर्तन के साथ एक्सपेंशन होने की वजह से हमको जो दिखेगा वो अलग अलग दिखाई देगा. जैसे मान लो किसी का पेट थोड़ा ज्यादा फैल गया तो पानी कम राइज होगा यार, इसमें तो थोड़ा कम ही राइज कर रहा है. किसी का थोड़ा कम फैला पेट तो थोड़ा ज्यादा राइज होगा, इसमें तो बड़ा अच्छा राइज किया. नहीं आया समझ में? तो एपरेंट एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? बर्तन पे. क्या एपरेंट एक्सपेंशन बर्तन पे डिपेंड करेगा? अरे यार तो हम बोलेंगे लिक्विड एंड वेसल, लिक्विड एंड वेसल बोथ एक्सपेंड्स, बोथ एक्सपेंड्स हेयर एक्सपेंशन इन वेसल, वेसल हेयर एक्सपेंशन इन लिक्विड इज सेड टू बी, इज सेड टू बी एपरेंट एक्सपेंशन, सेड टू बी एपरेंट एक्सपेंशन. लिखिए जरा जल्दी. अच्छा मुझे कोई बताएगा एपरेंट एक्सपेंशन वेसल पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड पर? रियल एक्सपेंशन किसी बर्तन में रखो, रियल एक्सपेंशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? रियली में तो एक्सपेंशन होता है लिक्विड के अंदर, लेकिन एपरेंट एक्सपेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा. इसमें एपरेंट एक्सपेंशन ए टू सी है, ये दिखाई दे रहा है. भैया शांति. अच्छा हाँ बोलो, कंफ्यूजन बोलो बोलो बोलो. अरे बाद में क्यों, अभी बोलो ना, बोलो ना अभी, इसी पे रिलेटेड है ना सवाल. हाँ बोलो बोलो. किसका है डिपेंड? मेटल. हाँ मेटल. नहीं नहीं नहीं, कभी पतीले को गर्म करते थे ऐसा था, पतीला था अभी स्पेयर बन गया, कटोरी बन गई. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. हाँ मतलब क्या होता बेटा, शेप तो वैसे ही रहता है. कभी हम देखते हैं कि खाना पकाने के लिए पानी गर्म करते हैं, तो पानी जब हम गर्म करते हैं पानी गर्म होता है, बर्तन का शेप नहीं बदलता है.
केवल डायमेंशन बदलता है, थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाएगा, हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व, तो उस समय लगता है पानी थोड़ा कम राइज किया। अरे यार पता है मैंने मिट्टी के बर्तन में गर्म किया था पानी को, बड़ा गजब पानी फैला था ऊपर, और इसमें एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम के बर्तन में गर्म करो पानी यार उतना नहीं फैल रहा। अरे समझ गए, तो एपरेंट एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन द वेसल। अरे बोलो क्लियर? सुनिए बेटा ध्यान से, रुक जाओ, जान मत दे देना, जान मत दे देना। अच्छा एक बात सुनो, इसीलिए मेरी बात सुनिए, इसीलिए रुको रुको, अब जो मैं बोल रहा हूं उसे फील करना है, समझना है, और दिमाग की उस लेवल तक जाना जो मैं बताना चाह रहा हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, लिक्विड में रियल एक्सपेंशन की बात करें तो किसी भी बर्तन में रखो रियली में वो सेम एक्सपेंड करता है, तो उस केस में उसका जो गामा होता है उसे गामा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रियल एक्सपेंशन। उस समय लिक्विड का अपना एक क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दैट इज कॉल्ड गामा, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड केस में अल्फा और बीटा डिफाइंड नहीं, ओनली गामा डिफाइंड है। बोलो क्लियर? अब यहां पर बेटा लेकिन एपरेंट के केस में, एपरेंट का केस कब बोलते हैं, जब बर्तन भी साथ में एक्सपेंड करे, गर्म करने पे बर्तन भी साथ में एक्सपेंड, दिखाई क्या देगा बर्तन का एक्सपेंशन, दिखाई देगा क्या दिखाई देगा, लिक्विड का एक्सपेंशन दिखाई देगा, एंड दैट टाइम उस समय जो गामा होता है उसको बोलते हैं गामा एपरेंट। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ, मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन है लेकिन रियल के समय रियल एक्सपेंशन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। और इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, गामा एपरेंट इज इक्वल टू होता है गामा रियल, ओए गामा रियल माइनस गामा वैसे। रुको 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 एक सेकंड, गामा एपरेंट इक्वल टू गामा माइनस, अच्छा एक बात बताओ इन तीनों में कौन कौन वेरिएबल है, कौन कौन कॉन्स्टेंट है ये बताओ। अगर कोई लिक्विड दे दिया तो गामा रियल फिक्स हो गया, क्या गामा एपरेंट फिक्स है? नो, बर्तन के बदलने से गामा एपरेंट, लेकिन गामा रियल क्या रहेगा? बोल दिया पानी है तो भैया पानी है, गामा फिक्स हो गया। अब गामा एपरेंट वो तो वैसे पर डिपेंड करेगा, स्टील के बर्तन में रखेंगे तो गामा एपरेंट अलग, आयरन में रखेंगे गामा एपरेंट अलग। आ रही बात समझ में? लिख दो, तो गामा एपरेंट इज इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा वेसल। पहले बताओ यहां तक आया? हाँ, इसलिए पढ़ाता जा रहा हूं। एक लास्ट टॉपिक लिखिए, चैप्टर फिनिश। बोले लिखिए एनामलस एक्सपेंशन इन वॉटर। एनामलस बिटा दो बेटा, देखिए एनामलस एक्सपेंशन इन वाटर। देखिए बेटा एनामलस एक्सपेंशन इन वाटर वेरी इजी। अच्छा बेटा एक चीज और, कल तो क्लास नहीं है, है ना, क्लास मंडे को लगेगी, उसके आगे मंडे को थोड़ा सा सवाल कराऊंगा एक्सपेंशन में ही, और क्या करना जैसे कल टेस्ट के बाद आफ्टर द टेस्ट आप फिर इवनिंग के टाइम में एक आध घंटे फेस के रिमाइंडर बनाना, पहले जो लेक्चर पढ़ाया सब रिवाइज कर लेना, देख लेना, वो तो कल एग्जाम से पहले तुम करो रिवीजन, उसके बाद एक घंटे शाम के टाइम पे फ्री होकर के रिमाइंडर बनाना, और उसके बाद मंडे को डाउट पूछना एक्सपेंशन का। हालांकि एक्सपेंशन और टेम्परेचर के ज़्यादा सवाल नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत ही मिलते हैं, जितना मिले बना लेना। उसके बाद मंडे से मैं स्टार्ट करूँगा कैलोरीमेट्री, पहले कैलोरीमेट्री पढ़ाऊंगा फिर केटीजी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो कैलोरीमेट्री स्टार्ट होगा मंडे से, और कैलोरीमेट्री अत्यंत ही छोटा चैप्टर है, बेहद ही छोटा चैप्टर है,
तो कैलोरीमेट्री ऑलमोस्ट मान के चलना एक लेक्चर का है, दूसरे लेक्चर में सवाल के फॉर्मेट बताने, उसमें आइस वाटर मिक्सिंग, स्टीम वाटर मिक्सिंग, स्टीम आइस मिक्सिंग, इसी के क्वेश्चन कराने हैं बस। मेनली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा एक दिन ढंग से, क्लियर। चलिए, एनामलस एक्सपेंशन इन वाटर क्या है? देखिए, पानी में ना जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक करते, जैसे एग्जाम्पल के लिए रूम टेम्परेचर है, पानी है, सुनिए, अब टेम्परेचर को आप कम करिए, तो टेम्परेचर कम करने से वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। भाई टेम्परेचर कम करने से सब्सटेंस ही बढ़ता है ना, तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। करते करते टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक ले आइए, वॉल्यूम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर और कम करिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस करिए, बस जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम जो है कम होने के बजाय एक्सपेंड होने लगता है। ये केवल वाटर केस में होगा, मरकरी ऑयल केरोसिन इन सब में नहीं होगा। किसमें होगा? केवल वाटर में होता है, ऐसा केवल वाटर में पाया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि व्हेन टेम्परेचर बी डिक्रीज फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से वॉल्यूम तो कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम कम होने के बजाय बढ़ जाता है, और यही बढ़ना, एक्सपेंड होना, इज कॉल्ड एनामलस एक्सपेंशन। एनामलस एक्सपेंशन क्या होता है? जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करो तो क्या होगा बेटा? एक्सपेंड करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? अच्छा, एक्सपेंड क्यों करता है? क्योंकि आइस जब बनता है ना, तो उसमें मॉलिकुलर सेपरेशन ज्यादा होता है। अमूमन सॉलिड में मॉलिकुलर सेपरेशन कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। वाटर और आइस का अगर आप देखें कंपैरेटिव स्टडी, तो आइस में मॉलिकुलर सेपरेशन ज्यादा होता है, इसीलिए वाटर से जब आइस बनना होता है तो उसमें उतने मॉलिकुलर सेपरेशन पे आना चाहिए। तो क्या होता है? मॉलिकुलर सेपरेशन बढ़ता है, तो 4 से 3 सेपरेशन बढ़ गया, 3 से 2 सेपरेशन बढ़ गया, 1 से 0 सेपरेशन बढ़ करके आइस की जितना सेपरेशन पे आ जाता है, और फिर आइस बन जाती है। इसीलिए बेटा यहाँ पर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एनामलस इसलिए बोला गया क्योंकि उल्टा चीज चल रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए दिस इज द यूनिक बिहेवियर फाउंड इन वाटर। बोलो क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पानी भर दूं एक ग्लास में और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रखूं और गर्म करूं इसे, तो फैलेगा, गिर जाएगा? अगर मैं ठंडा करूं तो बताओ पानी अब गिरेगा कि नहीं गिरेगा? फिर गिर जाएगा। 4 से 5 करो तो भी गिरेगा, 4 से 3 करो तो भी गिरेगा। नहीं आ रहा सर? फोर से फाइव किया पानी फैला गिर गया, 4 से 3 किया ना, मतलब एक्सपेंशन हो गया है ना, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है 4 से 3 पे, तो भी फैल कर गिर जाएगा। देखिएगा, when temperature of water be decreased from 4 degree Celsius, then volume of water increases. This is anomalous expansion. और जानते हो बच्चों, सबसे कम वॉल्यूम पानी का किस टेम्परेचर पे मिलता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वॉल्यूम जितना कम डेंसिटी उतना ही ज्यादा, इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी कितने पर मिलता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कभी अगर ऐसा ग्राफ अगर आ जाए, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और ये वॉल्यूम, तो बोलेंगे सर 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ पहचानने को आए तो डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे मैक्सिमम, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो बोलते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। बस बेटा, चैप्टर फिनिश, ठीक है, मंडे को थोड़ा सा सवाल वाला करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसी में मिलेंगे, हीट ट्रांसफर में एक एक्सपेंशन है, पढ़ो ना, अगर एक्सपेंशन अरे जाए।